तो ये जो एक दिमाग में लोगों ने एक कीड़ा घुसाया ना कि भाई तुझे पायरेसी नहीं करनी दुनिया भर की चीजें, तो भाई इंडिया में पायरेसी बहुत ही बड़े स्केल पे होती है, तुम उसको नहीं रोक सकते। मुझे पता है और आपको भी पता है कि आपने अटैक ऑन टाइटन पायरेट करके देखा है। इंडिया वॉन्ट्स एनिमे या फिर एनिमे को हिंदी डब करवाना जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है इनको सालों में इंडियन एनिमे कम्युनिटी के अंदर। कोई भी नॉर्मल इंसान जो कि एनिमे देखता है इंडिया में, उसका बस एक ही सपना है कि मरने से पहले एटलीस्ट वो उसके फेवरेट एनिमे को हिंदी डब में देख ले। वेल आई नो अगर आप लोगों ने इस वीडियो में मेरे क्लिक करा तो इसके पहले भी आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी लाइक एनिमे इन हिंदी डब, ड्रैगन बॉल आ जाएगा कार्टून नेटवर्क पे 11 बजे से, हिंदी डब हो जाएगा, संकेत मात्रे वॉइस देंगे गोकू की, एंड और भी अदर एनिमे लाइक की डेथ नोट हिंदी डब हो गया वगैरह वगैरह। 90% ये सारी चीजें फेक थी एंड कुछ ही एनिमेज जो भी रिसेंटली डब हुए नेटफ्लिक्स इंडिया पे। सो सिंपल ने बोले तो यार देखो जो हिंदी डबिंग का जो चीज है बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है, तो ये सारी चीजें जितने भी आप लोग सोच कर आते हो कि भाई यार कल सुबह आ जाएगा ड्रैगन बॉल या फिर आप सुबह उठोगे आप लोगों को नारुतो देखने को मिल जाएगा कार्टून नेटवर्क पे, तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ सेट है या फिर आपका अगर माइंडसेट इस तरह का है चेंज कर लो बिकॉज देयर इन सम में टाइम लगने वाला है। ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, इनको मैं नहीं रोक सकता, बस आप लोग को समझना पड़ेगा। सो इस वीडियो की बात करूं तो इस वीडियो मैंने कुछ टॉपिक्स को ऐड करा जो कि यार कुछ मैंने कमेंट्स से उठाया जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट करी थी और कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको मैंने सोचा ऐड करते हैं एंड इस वीडियो को बनाते हैं। बिलीव मी आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आगे चल के। सो अब जो नेक्स्ट इश्यू आ रहा है उसको मैं बहुत दिनों से एड्रेस करना चाहता था बट यार मैंने कभी वीडियो बनाई नहीं एंड वो और कोई नहीं बल्कि पायरेसी रिलेटेड है। बहुत सारे लोग यार आजकल के टाइम में मैं देखता हूँ कहते हैं कि पायरेसी मत कराकर भाई ऑफिशियल चीज़ों को सपोर्ट कराकर। मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ, हाँ भाई ऑफिशियल चीज़ों को सपोर्ट करो, करना भी चाहिए वैसे। तो इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो यार बेब्लेट की कोई नई मूवी आ रही है ठीक है, जो इसके पहले हम लोग को इंडिया में देखने को नहीं मिली, तो अब बेब्लेट की मूवी टेलीविजन पे आ रही है एंड लोगों को सपोर्ट करना है, लेकिन वही अब जो मूवी है वो कहीं और भी हम लोग को वेबसाइट पे देखने को मिल रही है, तो आप क्या सोचते हो? जिनको पता है वेबसाइट पे अवेलेबल है वो लोग क्या अपनी टीवी खोलेंगे? नहीं खोलेंगे यार, वो लोग सिंपली जाएंगे वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे एंड अगर वो ऑफिशियली अवेलेबल है तब भी बहुत कम ही लोग उसको ऑफिशियली देखते हैं। एंड अगर बात आती है एनिमे की तो यार एनिमे पे नेटफ्लिक्स का अकाउंट खरीदना पड़ता है फिर ही तुम देख सकते हो कुछ। तो ये जो एक दिमाग में लोगों ने एक कीड़ा घुसाया ना कि भाई तुझे पायरेसी नहीं करनी दुनिया भर की चीजें, तो भाई इंडिया में पायरेसी बहुत ही बड़े स्केल पे होती है, तुम उसको नहीं रोक सकते। मुझे पता है और आपको भी पता है कि आपने अटैक ऑन टाइटन पायरेट करके देखा है, और हाँ इसको सिंपल यार एग्जांपल आप लोगों को मिर्जापुर सीजन 2 का भी मिल जाएगा, आया नहीं यार उसके पहले पायरेसी स्टार्ट हो गई, तो आप लोग खुद समझ सकते हो यार ऑफिशियल चीजें चलती रहेंगी एंड पायरेसी भी एक तरफ चलती रहेंगी। हाँ वो बात आपकी सही है कि यार पायरेसी अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें सही हो जाएगी, बट अगर लॉजिकली इसका सोचा जाए तो इसका कोई एंड नहीं है और ऐसे ही चलता रहेगा, इसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एंड इन एनिमे केस तो अगर एनिमे नेटफ्लिक्स पे भी आता है तो हो सकता है कुछ लोग देखें या फिर ना भी देखें, बट मेजॉरिटी में स्टिल लोग पायरेसी करेंगे और एनिमेस को देखेंगे। अब जिन लोगों को इतना ही ज्यादा सपोर्ट करना है तो यार रुक जाओ दैट नोट, अगर आपने नहीं देखा या फिर अगर आपने माय हीरो एकेडमी अभी तक नहीं देखा तो रुक जाओ भाई उसके हिंदी डबिंग के लिए, देन उसका सपोर्ट करना, या फिर अगर वैसे सपोर्ट करना है तो जाओ यार आपका क्रंची रोल हो गया वहां से जाके आप लोग ऑफिशियली सपोर्ट कर सकते हो, फनीमेशन एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं तो ऑफिशियली भी सपोर्ट कर सकते हो। एंड सिंपली जो मेरा मोटिव था इस चीज को बोलने का कि पायरेसी कभी खत्म नहीं होगी चाहे जो भी कर लो। सो अब जो नेक्स्ट चीज आने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल देखो यार हम लोग को पता है कि जो एनिमे के फैंस अभी फिलहाल एनिमे देख रहे हैं या फिर नए एनिमे फैंस या फिर जैसे भी एनिमे फैंस फिलहाल जो एनिमे को जानते हैं कि भाई एनिमे होता क्या है और देखते हैं, एंड इन फ्यूचर मानो कि यार जब एनिमे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा इंडिया में, जब आप बस में बैठोगे तो आपको बगल में यार लिवाई या फिर अदर एनिमेस के जितने भी करेक्टर है उनका नाम सुनने को मिलेगा, तो क्या आप लोग को अच्छा लगेगा? आई मीन देखो यार एक एनिमे ही एक ऐसी चीज है जो हम लोग को लगता है कि दूसरों से हम लोग को डिफरेंट बनाती है, बट इन फ्यूचर अगर इंडिया में एनिमे पॉपुलर हो गया तो ये चीज भी खत्म हो जाएगी। आई मीन जो चीज हम लोग को डिफरेंट बनाती है वो भी अब नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं चाहता कि एनिमे इंडिया में आए, बट मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा इवन मेरे दोस्तों से भी, तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई एनिमे अगर इंडिया में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, जो चीज़ थोड़ा सा हम लोग को कूल बनाती है वो भी अब चली जाएगी। वेल अगर आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो ऐसा नहीं होता। आई मीन नारुतो कितने लोगों ने देखा बट आज भी वो लोग वहीं पे हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई एनिमे ने किसी की लाइफ चेंज कर दी ऐसा वैसा, बट अगर थोड़ा सा सोचा जाए जो चीज़ हम लोग को कूल बना दी थी वो भी हो सकता है फ्यूचर में हम लोग के हाथ से निकल जाए इंडिया में अगर मैं बात करूँ स्पेशली। तो देखो ये आपको भी पता है मुझे पता है कि पहले की डबिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थी, चाहे अगर मैं बात करूँ 2011 की 10 की 9 की, बट फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो डबिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एंड ये मैं कोई आप लोग को नई बात नहीं बता रहा ऐसी,
सो देखो यार, हम लोग ये नहीं कह सकते कि यार जो डबर है वो अपना फुल ट्राई नहीं दे रहा या फिर उसके अंदर कोई कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्क्रिप्ट रहती है उसी को देखकर वो लोग सारी चीजों को बोलते हैं और वैसे ही वो लोग अपना डबिंग जो भी प्रोसेस रहता है उसको कंप्लीट करते हैं। तो जो डबर रहता है जब स्क्रिप्ट को पढ़ रहा होता है, उस डबर का जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो सिंपली रहता है कि उसमें जो इमोशंस है उसको बाहर लाना और क्या जो ऑडियंस उस मूवी या जो भी चीज को देख रही है उस डबिंग में, क्या वो उससे कनेक्ट हो पा रही है। अगर वो कनेक्ट हो पा रही है और जो इमोशन वो लाने की कोशिश कर रहा है अगर वो देखने को मिल रहा है ऑडियंस में, तो समझ जाओ कि यार वो बेस्ट डबिंग और वैसी डबिंग हम लोग को देखने को मिलना चाहिए जो हम लोग को 2011 के टाइम में देखने को मिलती थी। बट आज की डबिंग की बात करूं तो सबसे पहली जो स्क्रिप्ट है वही बेकार बन रही है। आई मीन यार, तुम पंजाबी ऐड कर रहे हो, कुछ भी ऐड कर रहे हो, तो ये कोई भी चीज सेंस नहीं बनाती है। सो ये भी एक रीजन है कि क्यों आज की डबिंग इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है। एंड इसका मेनली रीजन मैं स्क्रिप्ट को दूंगा, बिकॉज डबिंग आर्टिस्ट अपना फुल देते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि यार डबिंग आर्टिस्ट अपना फुल नहीं देते। एनिमे इन इंडिया की बात करूँ तो यार देखो, एनिमे हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता एनिमे ना। यार सबको पता है कि आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर भी है जितने क्रिएटर, लाइक तुम कॉमेडी में ले लो या फिर किसी भी अदर कैटेगरी में, सब लगभग कर सकते हो जो डेथ नोट पॉपुलर हो गया। एंड अकात्सुकी कंपनी यार, उसको भी कोई भूल नहीं सकता कि उन लोगों ने कहा है कि इंडिया में उन लोग को इंटरेस्ट है एंड इन फ्यूचर वो लोग भी एनिमेज लाने में इंटरेस्ट रखते हैं इंडिया में। एंड इवन हम सबको पता है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है एनिमे के लिए। तो देखो यार, सारी चीजें ही पॉजिटिव है, कोई भी ऐसा निगेटिव चीज तो मेरे को देखने को नहीं मिल रहा। तो हाँ आएगा यार, बट अब मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत जल्दी आ जाएगा या फिर अगले एक या दो साल में ही आ जाएगा। आएगा बट टाइम लगेगा, आई मीन ये टाइम थोड़ा लंबा भी हो सकता है, मे बी छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड कर सकता है इन जैसी कंपनी लाइक अकात्सुकी पे एंड जितने भी नेटफ्लिक्स इंडिया के एम्प्लॉयज हैं उन लोग को कब लगता है कि वो लोग हिंदी डब करें या फिर सिर्फ नारुतो की फाइट ही डालेंगे जिंदगी भर नेटफ्लिक्स इंडिया पे। और तन्मय भट्ट जैसे लोगों से रिएक्ट कराना जिसको भाई एनिमे का ए भी नहीं पता, उसको तुम रिएक्ट करवा रहे हो डेथ नोट पे। तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी, तो यार इन द फ्यूचर हम लोग देखते हैं क्या हम लोग को देखने को मिलता है। एंड विद दैट सेड आज की वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज शेयर कर देना यार थोड़ा बहुत। आई मीन इस वीडियो पे आई नो व्यूज बहुत कम आने वाले हैं, बट क्या कर सकते हैं, कभी कभार कुछ ऐसा ही बनाना पड़ता है जिसमें मजा आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। Na 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 na